गंज में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए नगर में निकाला फ्लैग मार्च। आने वाली 18 नवंबर को नगर निकाय चुनाव में होना है मतदान, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन हुआ सतर्क। सुरक्षा के कड़े रहेंगे इंतजाम मतदान वाले दिन। नगर पालिका परिषद सितारगंज के हो रहे 18 नवंबर के चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है, जिसको लेकर नगर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर शक्ति प्रदर्शन किया। सितारगंज हिमांशु शाह ने बताया कि नगर निकाय चुनाव को लेकर आचार संहिता के लगने के बाद हमारी फोर्स पूरे नगर में फ्लैग मार्च कर रही है। 18 नवंबर को चुनाव हो रहा है और 20 नवंबर को वोटों की गिनती होनी है, जिसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हमारे पुलिस के सुरक्षा अधिकारी सेक्टर मजिस्ट्रेट व जोनल मजिस्ट्रेट फ्लैग मार्च में शामिल हो रहे हैं। चुनाव में किसी से भी कोई प्रत्याशी की किसी भी प्रकार की अवैध प्रचार सामग्री, अवैध शराब या नकदी आदि बांटे जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। साथ ही किसी प्रकार के लाउडस्पीकर से प्रचार करने पर भी वाहन सीज की कार्यवाही होगी। इस तरह से चुनाव में आचार संहिता का पूर्ण पालन किया जाएगा। मार्च निकाला जा रहा है इसमें 5 बजे, और जो ये फोर्स है ये सभी जगह मूव करेगा। इसके अतिरिक्त जो भी प्रचार है इस समय बंद हो गया है, 5 बजे के बाद आचार संहिता लग गई है, और जो इस तरह का अगर वाहन कोई प्रचार चलता हुआ पाया गया तो उसे जब्त कर लिया जाएगा, उसके विरुद्ध कानून कार्रवाई की। इसके अतिरिक्त जो अवैध शराब है और अवैध पैसे की जो शिकायत होती है उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर, जोनल मजिस्ट्रेट, जोनल पुलिस ऑफिसर अभी रूट पर निकल रहे हैं और फ्लैग मार्च का ये हमने फ्लैग मार्च किया है इलेक्शन के प्रत्यक्ष में। 18 तारीख को चुनाव है और 20 तारीख को काउंटिंग है, जिसकी पूरी व्यवस्था हो गई है और आचार संहिता का पूर्ण पालन कराया जा रहा है। या जो भी लाउड स्पीकर और इस तरह का प्रचार करते हुए मिलेगा उसको मतलब सीज किया जाएगा। देखना इसमें।